Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। वीडियो अगर गलती से प्ले कर दी है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के उस गलती पे पानी डाल दो और वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करो। गाइज आपको तो पता ही है, इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए क्या तो आपके पास 52 गज के चूतड़ होने चाहिए या तो आपके अंदर सर से लेकर पैर तक अश्लीलता भरी होनी चाहिए। सही बात है। तो उन्हीं कुछ उभरते सितारों में से आज हम आपको मिलाएंगे इंस्टाग्राम की एक ऐसी ब्रीड से जिसके पास ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, चलो गैस करो कौन है। अबे ये नहीं बे, इनकी भी गुरु से मिलाता हूँ आज आपको, जिसकी फैंटेसी और इरादे बहुत ही बड़े हैं। मैं नहीं मानता। नहीं हो रहा यकीन? लो तो खुद ही देख लो। यार मोहित कितना मोटा पेड़ है यार, काश तेरा भी इतना मोटा होता। सोचो कितनी चूतिया जनरेशन है जिन्हें पेड़ की मोटाई देखकर भी लंड के सपने आ रहे हैं। और लाली एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मोहित का भी पेड़ जितना मोटा होता तो गोटे तो मोहित पीछे ट्रैक्टर पे लिए घूम रहा होता। और इतने मोटे का करना क्या है? हैरी पॉटर की झाड़ू की तरह उस पर बैठ के वर्ल्ड टूर करना है या उससे मसाला कूटना है? समझ रहे हो आप? आइए आगे भी देखते हैं। यार हमारा एक हेल्प कर दोगी? बोलो। यार मेरे पास ना कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अच्छा, उसको हिंदी में मुझे समझा दोगी? हाँ श्योर, पूछो ना। गिव मी इन माय माउथ। अच्छा, एंड आई विल गेट रिलैक्स। मेरे मुंह में दो और मैं सुकून से रहूं। ठीक है, सुकून मिल जाएगा मुझे। अच्छा नीचे बैठो। वीडियो की आड़ में खुद की फैंटेसी पूरी कर रही है ये। गूगल ट्रांसलेटर का चौदह कब हिंदी बुलवाते बुलवाते इंग्लिश मूवी वाले सीन शुरू कर देगा पता भी नहीं चलेगा। नॉटी अमेरिका। चलो जल्दी मेरे साथ आओ। अरे कहाँ? अरे यहाँ बैठो यार तुम, जल्दी फटाफट। अच्छा। चलो करो वन, चलो वन उठाओ यार। तो एक दो तीन। अरे यार मेरे बस की नहीं है यार। यही तो मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे बस की नहीं है, रात में भी ऐसी थक जाती हो तुम। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये देख लो, सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, वो भी पार्क स्पेशलिस्ट। यहाँ क्रिएटिविटी की गांड में हाथ डाल के वीडियो बनाने में घोड़े खुल जाते हैं। और इन्हें देख लो, 15 सेकंड की ऐसी बवासीर वीडियोस से लाखों सब्सक्राइबर जोड़ लेते हैं। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाह। और यहाँ देखो, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। आओ आगे देखते हैं। यार ये अपने बाल भी ठीक करा ले सड़े हुए, और ये सड़ी हुई शकल भी ठीक करा ले अपनी, कब तक कैसी रहेगी? तूने ज्यादा बकर बकर मत क्या कर, मुंह में दे दूंगी ना तेरा मुंह ही बंद हो जाएगा। कौन सा, लेफ्ट वाला है राइट? हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। जो हैवानियत भरी हुई है ना इसमें, उस हिसाब से तो ये दोनों मुंह में ले लेगा। शुक्र करो ये लड़की बैंकॉक रेटर नहीं है, वरना लेफ्ट राइट नहीं मिडल वाला मुंह में दे देती। क्या बात है सर, क्या बात है ये बात है। बाबू सुनो ना। हाँ बोलो ना। आज ना मुझे चूसने का मन कर रहा है। किसका मन कर रहा है? चूसने का मन कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे दोनों बस एक दूसरे की हवस चांद करने में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। दो मिनट रुको अभी आता हूँ, दो मिनट रुकना बस। A few moments later। चली गई यार ये, मेरा कहाँ चली गई थी बेबी? अरे मैंने तुम्हें बोला था मेरा चूसने का मन कर रहा था। हाँ तो मैं लाया तो हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। इनके अकॉर्डिंग ये कंटेंट ठीक है बिल्कुल, लेकिन मुझसे पूछो तो ठीक कहा है? पार्क में पीछे खड़े बच्चे भी देख रहे हैं ये हवस का नंगा नाच। क्या असर पड़ेगा उन पे, वो भी बड़े होकर ऐसी ही रील्स में बकचोदी करते नजर आएंगे कल को। क्या मतलब बच्चे बड़ों से भी आगे हैं? वैसे मुझे ये समझ नहीं आता इन लोड़ुओं को ऐसी चूतिया रील्स बना के मिलता क्या है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। लो और देख लो आगे क्या होगा। बेबी बहुत जोर से सुसु आ रही है। बेबी हगने मूतने से लेकर ठरक चढ़ने तक हर चीज ना घर से बाहर या पार्क में ही आती है। ऐसा लगता है कि घर तो इन चिमगादड़ों ने आधा पादा खेलने के लिए रख रखा है। इस पार्क में तो कोई टॉयलेट भी नहीं है,
मैं भी इधर कर लूँ। पागल हो गया, कोई देख लेगा? कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। एक घंटा हो गया, इतना टाइम लगता है? दो नंबर भी कर लेते इतने में। अरे बहुत तेज आ रही थी यार, बहुत तेज आ रही थी, बहुत तेज आ रही थी। बस जगह मिलनी चाहिए इस लड़की को, आदमी घोड़ा कुत्ता जो सामने मिल जाए उस पे चढ़ जाती है। यही सब देखने के लिए तो मैंने फोन की EMI भरी थी। एक छोटी सी वार्निंग उन सब शरीफ लौंडों के लिए जो पार्क में वॉक करने जाते हैं, ये लड़की कहीं भी दिख जाए तो गलती से भी झाड़ियों में मूतने ना चले जाना, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाई तुम मेरे को सरप्राइज लेके आई थी ना? क्या सरप्राइज लेके आई हो? बहुत ही प्यारा सरप्राइज है, अपनी आंखें तो बंद करो। ये लो, आंखें मत खोलना। ओ आगो बोगा, ये को तो पन्नी के साथ कौन चूसता है? ये क्या है? तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पन्नी के साथ कौन चूसता है, कौन चूसता है। अच्छा, बिना पन्नी के चूसना है, ठीक है, बिना झाड़ वाला पेड़ चाहिए, ओके। अच्छा, बर्गर जितना मोटा होना चाहिए, हैं? क्या मतलब, पब्लिक प्लेस का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए? कोशिश कर रही हूँ कि पन्नी के साथ कौन चूसता है। मुझे नहीं पता पन्नी के साथ कौन चूसता है और बिना पन्नी के कौन चूसता है, लेकिन इन दोनों की हरकतें देखकर लग रहा है कि ये दोनों ही पन्नी मार कर रील बनाते हैं ऐसी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब कुछ महान लोग बोलेंगे, इट्स हर चॉइस। अबे चॉइस गई माँ चुदाने, चॉइस कम कंप्लेंट ज्यादा करती है ये वीडियो में। यार हुमायरा, बिल्डिंग देख यार, इतनी बड़ी है, और तुम देखा, एक बीच में, एक आगे, एक पीछे, है ना? मुझे भी ऐसे करना है यार, बीच में है, मतलब त्रिशम। क्या बोला तूने? इन्होंने तो इंस्टाग्राम को फैंटेसी का जीवी रोड बना दिया है। बेटी इतने जोश में मत आओ, रील की अलग बात है, लेकिन अगर किसी दिन सही में ऐसी नौबत आ गई ना तो यही कहेगी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। फिर इन क्रिएटर्स के चौदों को कुछ कह दो तो ऑफेंड भी हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपनी तरफ से कोई हेट नहीं है किसी को, आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप सब लोग प्यार बांटो, स्पेशली मेरे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एम है वही अभी तक जो पूरा नहीं हुआ, 100 likes का। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ऑन टंडन साहब 13। और रील्स देखने के अलावा भी कुछ और कर लिया करो।